यदि आप स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाना पसंद करते हैं या आपको कैमरे के सामने गाना गाने या भजन गाने का शौक है और आप अक्सर गाने भजन भूल जाते हैं या आपको स्क्रिप्ट याद करने में परेशानी होती है या आपका कोई न्यूज़ चैनल है जिसमें शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक बोलना पड़ता है, बहुत ध्यानपूर्वक रिपोर्टिंग करनी होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। इस वीडियो में मैं टेलीप्रॉम्प्टर ऐप का रिव्यू करने जा रहा हूँ। यदि आप म्यूजिशियन या सिंगर हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें स्क्रॉल होने वाले गाने या म्यूजिकल नोट्स की स्पीड और लाइन स्पेसिंग, विड्थ वगैरह आप स्पेसिफाइड सेटिंग्स में सेव करके रख सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर न्यूज चैनल में यूज होता है, इसे कैमरे के सामने लगा दिया जाता है और न्यूज एंकर टेलीप्रॉम्प्टर को देखते हुए न्यूज पढ़ते जाता है। अब यही चीज आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल होता जाएगा और आप आसानी से बोल पाएंगे। चलिए मैं आपको टेलीप्रॉम्प्टर ऐप की वर्किंग दिखा देता हूं। दोस्तों ये है एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर ऐप, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4.5 स्टार की रेटिंग है, 3.2 MB की ऐप है और 1 मिलियन+ इसके डाउनलोड्स हैं। ऐप इंस्टॉल हो गई है, इसे हम ओपन करते हैं। ऐप में एड्स आते हैं तो आप नेट को ऑफ कर दीजिएगा, उससे आपको ईजी होगा चलाने में। इसे कर दीजिए ओके। देखिए अभी यहां पर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पहले हम स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं, यह है स्क्रिप्ट का नाम। अब यहां पर हमें कंटेंट को लाना होगा, इसके लिए मैं नोट्स पे जाऊंगा। यह है मेरी स्क्रिप्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसे हम कर लेते हैं कॉपी। यहां पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, यह हो गया पेस्ट। अब हम इसे सेव कर देते हैं इस आइकॉन को दबा के। अभी हम इस ऐप की सेटिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके लिए आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट को दबाना होगा। सेटिंग में जाते हैं। देखिए यदि आप रियल टेलीप्रॉम्प्टर का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस मिरर वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा, तो इसे ऑन कर दीजिएगा। फिर मिरर का फ्लिप डायरेक्शन क्या रहेगा उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। यदि आप मोबाइल में ही यूज करना चाहते हैं तो उसको ऑफ रखिएगा। यहाँ ओरिएंटेशन से आपके मोबाइल का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, आप इसे कैसा रखना चाहते हैं। अभी हम इसे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस फॉन्ट में आप देखना चाहते हैं। यहां से फॉन्ट आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। फॉन्ट का साइज आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज से बोल्ड इटैलिक यहां से सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या रहेगी ये आप यहां से सेट कर सकते हैं। स्क्रॉल स्पीड यहां से सेट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट आपका ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है। उसकी विड्थ यहां से सेट कर सकते हैं, फोकस ऑन यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके टेलीप्रॉम्प्टर में रिमोट है तो उसकी सेटिंग आप यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं बैक। इसके बाद जो ये स्क्रिप्ट है हम इसको राइट स्वाइप कर देते हैं, एक परमिशन आपको देनी होगी, इसके लिए करिए ओके। इसे अलाउ परमिशन कर दीजिएगा, ये बस एक ही बार होता है, इसे कर दीजिए बैक। ये आप देख रहे हैं यहां पर लिख के आ रहा है और ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। यदि आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से कम कर सकते हैं, ये माइनस को दबा के, प्लस को दबा के आप बढ़ा सकते हैं। बीच में रुकना चाहते हो तो पॉज को दबा दीजिए, ठीक है, ये पॉज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैमरे के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैमरे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें कैमरा ऐप को चालू करना है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी ऐप पर जाएंगे, यह है हमारी ऐप, इसको हम राइट स्वाइप करते हैं, ठीक है। ऐप ओपन हो गई है, इसके बाद हमको वापस कैमरा ऐप पर जाना है, इसे हम साइड में सरकाएंगे, ठीक है। अभी हम यहां पर बोलेंगे और ये साथ में स्क्रॉल होना स्टार्ट होगा, तो हम कैमरे को ऑन करते हैं। देखिए कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। देखिए यहां से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। हम इसका इतना साइज कर देते हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके बाद आपको इसे प्ले करना है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ आते जा रहा है, अब आप बोलते जाइए, जो भी आपका गाना रहेगा वो यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप उसको गाने को गाते जाइएगा या स्क्रिप्ट को बोलते चले जाइएगा, ठीक है। जब आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए उसके बाद आपको इसको बंद करना होगा और इसे भी पॉज कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपने स्क्रिप्ट के हिसाब से बोला होगा, गाना गाया होगा या भजन गाया होगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। YouTube वीडियो में सबटाइटल्स कैसे ऐड करते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल।